गाइस ये आ गया चीला का जंगल। ये जंगल में यार शेर वगैरह दिख जाते हैं और वो हाथी वगैरह। भाई इस भाई को नहलाना है, ये हमारा टास्क है आज। इस भाई के कपड़े खोल दूंगा आज मैं, कुछ हो जाए लेकिन भाई नहाएगा। लेकिन भाई शेर 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 फर्जी पंडित तो वो तो हमें भी पता, फर्जी है यहाँ पे आजकल वो पंडित नहीं है जो होने चाहिए। भैया तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज मैं आया हूँ हरिद्वार, मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा कि कैसे आया हूँ। ठीक है, मेरा भाई आया है अभी शुभम, तो मैं अपने भाई के साथ आया हूँ। ये क्या लिखा हुआ भाई, देखो पढ़ो भाई, बढ़िया लिखा हुआ भाई। बुल्टा पे आए हैं, अभी गाड़ी निकालेंगे और चलेंगे। ये हमारे वसूली भाई, तो अभी हम जा रहे हैं गंगा जी नहाने। अभी तो यार देख रहे हो ना, दूल्हे दिलाए कपड़े ऐसे पहन लिए बिना नहाए। तो अभी जाके आपको डिटेल वगैरह देता हूँ कि कितना खर्चा हुआ आने में, कैसे आए और कहाँ रुकना है। ठीक है, सोम भाई कैसा लग रहा दोबारा मिलके? बहुत अच्छा भाई। याद है सोम भाई, याद है लाल किला चांदनी चौक और इंडिया गेट वाले ब्लॉग में भाई और सोम भाई आए थे। तो दोबारा आ चुके हम और यहाँ पे बहुत बढ़िया व्यू है। ये सरकारी प्लॉट है, प्लॉट नहीं मतलब घर है ये सरकारी। सर क्या कहते हैं जगह को, मतलब सरकारी है ना ये तो? हाँ हाँ, ये सरकारी जगह है यहाँ। ये मेरी बुआ घर, तो आए हाँ ये तो गवर्नमेंट ही है। क्वार्टर क्वार्टर मत बोलो, क्वार्टर मत बोलो भाई, थोड़ा अजीब लगता है क्वार्टर बोलोगे। तो चलो मिलते गए जाके। ठीक है, पेट्रोल भरवाया गाड़ी में और अब हम चले। हमारे भाई देखो भाई, हमारे निक्की भाई है, मेरे भाई बड़ी बुआ का लड़का है भाई। ठीक है भाई, ये बहुत शरीफ है भाई, इंजीनियर है। तो किसी को भाई कुछ काम को, किस चीज की इंजीनियरिंग कर रखी है तूने? सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग कर रखी भाई, मैं पीछे की बात बात कर रहा हूँ, नहीं भाई की बात कर रही है। भाई तो इंजीनियर है, अच्छी बात है। वो पीछे कुछ लोग हैं जो कॉलेज नहीं गए, वो बोलते हैं यार बीच में आते। तो अभी तुम कॉलेज नहीं गए, कॉलेज ही हमारा था। अच्छा, कॉलेज ही भाई का था, देख रहे हो मतलब बातचीत अलग है। भाई भाई कितना कमाते हो मंथली? मंथली 5 लाख रुपए। राव साहब है ना भाई, राव साहब है। स्टेटमेंट देख लो, स्टेटमेंट भाई मेरे को मत दिखाओ, मेरे को डर लगता है। 5 लाख रुपए महीना कमाते, 2.5 लाख आते हैं। अरे भाई गलत बात करते रहे। 1 लाख रुपए की बचत है और भाई 1.5 लाख रुपए अपने पास रखते हैं। सही बात। भाई वो पीते भांग आप? भाई सब पीता हूँ, ऐसे कोई शराब नहीं है मैंने ना पी। अच्छा अभी वो गई है शिवरात्रि, गई है महाशिवरात्रि, तो मैंने सुना भांग पी के आप कुछ कर रहे थे। फिर गाली दे रहे यार भाई, मम्मी डांटे, ऐसे गंदे वर्ड यूज मत कर, ये फैमिली व्लॉग बना रहे। ठीक है, ये पीछे वाला बंदा थोड़ा ऐसी है, ये डरता नहीं किसी। राव साहब इसे पापा एमएलए है ना? हैं शुभम? हाँ भाई। और बता भाई, भाभी बच्चे कैसे बता? ये कैसा लग रहा है आपको एमएलए के बेटे के साथ बैठ के? बहुत मजा आ रहा है भाई, बहुत मजा आ रहा है। साइड में बैठा, जगह मिली नहीं, आधी से ज्यादा सीट तो भाई ने घेर रखी है। और बस में आए भाई, बस में आए हम। मैं आपको बताऊं, बस में भाई कम से कम 2 सीट थी भाई, 1.5 सीट में तो ये तो भाई 1.5 सीट घेर ली इसने भाई। मैं आधा लटक रहा हूँ नीचे, मैं कंडक्टर से कह रहा हूँ कि ना भाई मेरे आधे पैसे वापस दो। कह रहा क्यों, क्या हुआ? मैंने भैया जगह तो इसने घेर रखी आधी से ज्यादा। ये बंदा पीछे बैठ रहा, थोड़ा बदतमीज है, घर से बेघर है, थोड़ा परेशान है अभी। थोड़ा सा परेशान है, कोई बात नहीं। यादव बॉयज, हम सारे यादव, और ये भाई पंडित जी, पंडित हो ना भाई आप? बिल्कुल भाई, भाईचारा ही कहते हैं। भाईचारा ही कहते हैं। शेर शेर शेर। अच्छा वो वाला लगाया, वो बंदा सबसे ज्यादा खतरनाक है, वो जो कहता है जादू ही, नहीं जादू ही कहते हैं। जादू कहाँ से आया, शेर चीता समझ आता है, जादू ही कहते कहता है।
शेर। यहाँ से मंसूरी का रास्ता कितना? शेर 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 वो गिर भी जाता साथ में उसके साथ, शेर बोलते साथ गिर जाता है। अभी अलीश यादव के ब्लॉग में आया, अलीश यादव के बारे में भी कलेश चल रही है सोशल मीडिया पे कि सूखे से के मार दिया है वो। ये यार भाई किसी माँ को गलत कहोगे तो भाई वो बिल्कुल मारेगा भाई, क्यों भाई किसी माँ से क्या मतलब भाई, कैसे कह सकते हो तुम? फॉलोवर के लिए कर रहा है वो, हाँ वो फॉलोवर के लिए बहस कर रहा है और कोई फायदा नहीं है भाई। चाटा खा लिया फेमस हो जाएगा और क्या करेगा, चाटे खा लिया सुर्खियों में आ गया भाई के फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं फेमस सब कुछ बैठ जाएगा, कोई फायदा पिट गया ना छुट्टी कुछ उगाड़ नहीं सकते भाई कोई अलीश यादव का पैसा यार उसमें पावर है भाई, सिर्फ ये सोशल मीडिया पे वीडियो बना के 10 बातें करे कोई फायदा नहीं होगा भाई उसका, कोई कुछ नहीं उगाड़ सकता। कहने की बात ये सच्चाई है जरूर आते हैं इसलिए बीच वाले मेरे को लग रहा है। 23 किलोमीटर देहरादून 51 किलोमीटर बद्रीनाथ 318 किलोमीटर बद्रीनाथ में गया हूँ बुलेट पे दिल्ली वाले जाम कितना लग रहा है दिल्ली वाले, हाँ नंबर प्लेट तो दिल्ली की भाई। हरिद्वार घूमने का मौसम है, हरिद्वार आए हुए सारे गंगा जी नहाने जा रहे थे तो पार्किंग की लाइन में खड़े हुए, वो मनसा देवी ऊपर मंदिर देखो फिर आपको पैदल यात्रा करनी पड़ती है वहाँ जाने के लिए। पार कर रहे ये बाहुबली भाई हमारे पहलवान आ गए हम, अब हम जाने स्नान करने जा रहे हैं। भाई तू नहाएगा नहीं नहाएगा? हाँ भाई, भाई इस भाई को नहलाना है ये हमारा टास्क है आज, इस भाई के कपड़े खोल दूंगा आज मैं कुछ हो जाए लेकिन भाई नहाएगा। लेकिन भाई यहाँ पे दृश्य बहुत प्यारा है यार, एक बार देखो जरा मजाक से, बहुत प्यारा दृश्य है यार, मौसम कितना बढ़िया हो रहा है यार, पीछे पहाड़ ये पार्किंग की पार्किंग है। सैटरडे संडे को यार आना ना हरिद्वार, आना ही मत। तो कैसा लगा मेरा मजाक? बहुत बहुत भीड़ है यार, बहुत टाइम लग गया मैं जाम जाम में यार, पार्किंग पार्किंग में। वैसे बताना भाई बाइक बाइक से क्या दिक्कत? बाइक से ठीक है भाई, बाइक से आ जाना, बाइक से आ जाना भाई। सैटरडे संडे हरिद्वार आना मत भाई, सैटरडे संडे दिक्कत है भाई, संडे को ही आना। माँ ये बच्चा किसका खो देख रहे भाई, संडे को ही आना, इस बंदे को नहलाना भाई, सब कुछ खोल दूंगा तेरा आज, धड़ 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 धड़। अगर अगर भाभी व्लॉग देख रही हैं तो आज देखना, अगर ये कपड़े नहीं उतारेगा तो ऐसे ही लेके कूद जाना अल्लाह बैग दे। ये हमारा जिम बैग, हालांकि हम कमजोर हो गए लेकिन जिम बैग तो लेके चलते ही है। वह तो व्यू तो देखो, वैसे तो बहुत प्यारा व्यू है गाइस, चलो आगे चलते हैं। यार गंगा जी का भाव तो तेज लग रहा है यार, बहुत ज्यादा है। हाँ देखा भैया कह रहे बहुत ज्यादा है तेज है गंगा जी का भाव भाई, तैरना आता है ऐसे? तैरना नहीं आता तेरे को? ना भाई मेरे को तो आता है, तैरना आता है। और भीड़ बहुत हो रही है भाई, भाई संडे को आ गए यार, बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है, तो सिस्टम हो गया यहाँ पे, बहुत ज्यादा धूप हो रही है। तो यहाँ जूते रखे, ये देखिए मंदिर है यहाँ, ये पहचान लो और यहाँ पे जूते जमा करा दो और अपना नहाओ स्नान करो। तो साफ सफाई तो बढ़िया कर रखी है यार, यहाँ पे बढ़िया हो रखा है हिसाब किताब। अभी मार्केट जाएंगे तो मैं मार्केट दिखाते हैं, ठीक है? हाँ धो के रेडी हो गए और यहाँ पे आए भाई, झुमके चेक कर लो लड़कियों के लिए, अपनी शक्ल दिखा दे एक बारी तू, तब भी गोरा नहीं हो वैसे वैसे ही तू नहाने के बाद भी। अब हम जा रहे हैं चीला, चीला जा रहे हैं चीला। अरे चीला में क्या है ऐसा, कोई बात नहीं भाई, इसे दिखता नहीं। राजा जी नेशनल पार्क, जंगल है भाई, भाई बहुत ठंडा पानी था भाई गंगा जी का, बहुत ज्यादा ठंडा पानी था पानी। और चीला जाके आपको चीला दिखाते हैं, हमने गंगा जल भर लिया है घर के लिए। तो सबसे बढ़िया ये व्यू लगा है यहाँ पे ना यार, मतलब देखो जरा चारों तरफ कितना प्यारा लग रहा है। भीड़ है आज, संडे का दिन है इसलिए शनिवार संडे छोड़ के आप आओ, मजा आ जाएगा आपको, खाली मिलेगा, ज्यादा भरा नहीं मिलेगा। अभी तो बहुत ज्यादा भरा हुआ है भाई, बहुत भीड़ हो रही है, बहुत पब्लिक आ रखी है। ये जा रहे भाई लोग सामने, हमने गंगा जल ले लिया जैसा कि मैंने आपको बताया है, और ऊपर मौसम बहुत अच्छा हो रहा है आज का, बाकी तो ये चल ही रहे हैं यार। कुछ नॉटी बॉयज है हमारे साथ, मेरे साथ मतलब, ये ना चोरी कर देंगे जाते ही ब्लॉग में, पापा गाली वगैरह ना दे पापा। अरे मेरे को आवाज़ क्यों दे रहे हो भैया? यार हंस क्यों रहा भाई तू? वो यार ये कौन सा ब्रिज है, क्या नाम है इसका? धनुष वाला ब्रिज, कांची वाली। अरे इनको बताओ दिल्ली वाली बस है। अरे कौन कह रहा है? ये कह रहा है कि अरे कोई बात नहीं अंकल, बच्चे तमीज नहीं है ना इनको बात करने की।
थोड़े बदतमीज लोग भी आ जाते कई बार। पंडित जो ना फर्जी पंडित है, लूटता है। फर्जी पंडित है वो तो हमें भी पता, फर्जी है यहाँ पे आजकल वो पंडित नहीं है जो होने चाहिए। भैया हट जाओ, मानते नहीं है मुंडन भाई। सही बात कही, पहले वाले पंडित नहीं है यहाँ पे, पहले वाले पंडित नहीं है भाई, फर्जी पंडित है। कह रहे दिल्ली वाली बस में बैठ जाओ, हम तो बैठे नहीं कभी। बंदे बोले मेरा इलेक्ट्रिसिटी कौन सी वाली बस आ गई यार। तो हम जा रहे भाई चीला के जंगल में, चीला के जंगल में आपको चीता हो सके तो वो दिखाएंगे, नहीं तो हाथी तो दिखाई देंगे। एक हाथी वैसे मार जाती है, मजाक कर रहा है मेरा भाई है वो, ठीक है 120 किलो का पहलवान है वो, तो मजाक नहीं करते उससे, नहीं पीछे से दबा दे कहीं पता लगे। भाई ओ भाई, अभी हम गंगा स्नान करके आएंगे, फिर चीला के जंगल की तरफ जाएंगे। तो ऊपर क्या नाम है मंदिर का निक्की? चंडी देवी का मंदिर पड़ेगा रास्ते में, देखो ऊपर। एक बारी तूने यार वो भेजी थी शेर की वीडियो, कहाँ से भेजी थी यार तूने? स्टेडियम की। रात को ऐसे चीते शेर घूमते यार खुले में, और तुम गाड़ी में थे। तो गाइज ये हमारे लेफ्ट में माँ काली का प्राचीन मंदिर है, सिद्ध पीठ। अच्छा, जय माता तो बहुत मान्यता है इसकी, बहुत ज्यादा। अच्छा जी, शक्तिपीठ और सिद्धपीठ का मतलब क्या होता है? अबे शक्तिपीठ वो जो माता जल गई थी मेरे ख्याल से, जहाँ जहाँ उनका शव हो गिरा था कुछ, जहाँ जहाँ उनका अंग गिरे थे वो शक्तिपीठ बन गए थे भाई। मुझे पता नहीं, मैं तो गया था। क्या नाम था उनका जो शिव जी की पहले पत्नी थी? जो शिव जी की पहले पत्नी थी वही तो जब जल गई थी वो, सती माँ अपनी गाड़ी में आया था तो मैंने हाथी देखे थे। अभी भी रिच हूँ यार, मेरे भाई की गाड़ी मेरी गाड़ी ले जाऊंगा इससे दिल्ली, दे दोगे ना भाई? दिल बहुत बड़ा यार, डन। इस जंगल में देखते यार क्या हिसाब है। वैसे यहाँ पे और कौन कौन से जानवर दिख जाते हैं? हैं? शेर, हाथी, हिरण। हिरण भी? हाँ, बारह सिंगा थोड़ी दिखता, बारह सिंगा भी है। बारह सिंगा तो मेरे ख्याल से बहुत कम दिखता है, मैंने सुना है बारह सिंगा भी दिख जाता है यहाँ पे। तो मतलब यार, मतलब यहाँ पे बंदा पैदल नहीं चल सकता, डेंजर है। और ये पैदल खड़े हुए थे कैमरा लेके, यहाँ जानवरों की फोटो लेने के लिए खड़े होंगे, कैमरा लेके खड़े हुए भाई, सेटअप लेके खड़े पूरा। इनसे फोटो खिंचवा के व्हाट्सएप करवा लेते कह रहा है, इनसे फोटो खिंचवा के व्हाट्सएप करवा लेते, गाड़ी मोड़ों से फोटो खिंचवाएंगे भाई। जानवर किस्मत में क्या, मतलब दिखना दिखना। ये भी है यार, यहाँ पे शोर शराबे से थोड़ा डरते है ना जानवर, इसलिए थोड़ा अंदर ही रहते होंगे जंगल में। अब गाड़ियाँ चल रही है यहाँ पर, तो इस मारे वो बंदे बीच में देख कैसे घूम रहे हैं, ऐसी फोटो खिंचवा रहे क्या कर रही है, और आके इनको शेर झपट के ले जाए सारे गायब हो जाएंगे। फिर खड़े तो है बीच में यार जंगल में यार लोग, ये देखो हाँ फोटो शूट निकल जाएगा इनका सारा। कैरम हमें ये जो पीछे बंदा बैठा है बहुत खतरनाक बंदा है भाई, ये शांत बैठा भी थोड़ा फ्रैंक मोड में, समझ रहे हो, बहुत डेंजर बंदा है। चेतावनी अभी दिखाते आपको यहाँ पे हाथी शेर, अरे दिखाते हैं यहाँ पे थोड़े से अंग्रेज भी आए हुए, ये वसूली रिश्तेदार लग रहे मेरे ख्याल से, वसूली भाई हमारे पीछे बैठे, राइट में दबा दे थोड़ा आगे वो करके। अरे यार कितनी प्यारी जर्सी बना रखी है, आई जा कर यार इसे GTA बना दे यहाँ पे, फोटो खींच क्या, फोटो खिंचवाएगा भाई। ये डैम है ये डैम बिजली बनती है ऊपर से पानी के नीचे। अरे हाँ टीरी डैम है ना, टीरी डैम बिजली, अरे यहाँ बनती है बिजली।
अच्छा यहाँ बिजली बनती सही है, बढ़िया है। ओके गाइस, तो कोई शेर ना आती कुछ नहीं दिखा यार, अंदर होंगे सारे। सुबह सुबह का टाइम है इसमें, इस हमारे मतलब दोपहर का टाइम है। तो ये देखिए चीले के जंगल की ये जो झील वो नदी जा रही है, और ये खड़े तीनों शेर सामने, बच्चे फैमिली वगैरह यहाँ कुछ खाने आए हैं। देखो कुछ खाएंगे, कुछ बनाएंगे। भाई को रील बनानी है, यहाँ पे रील के लिए कह रहे हैं। रील बनाएगा भाई, बस आ रही भाई, रील बनानी भाई, रील है। थोड़ा थोड़ा लेफ्ट मुड़ो, रील बनाते हैं। चलो आ यार कुछ खाएंगे, आजा भूख लग रही है। चलो बन गई भाई, मैं भेज रहा भाई। तो ये जगह है भाई जहाँ हम रुके, खाने पीने की जगह है। ऋषिकेश वाला रास्ता है, चीला का जंगल पार करते ऋषिकेश का रास्ता आएगा। ठीक है चलो कुछ खाते हैं। अच्छा तो मैगी खा रहे हैं यहाँ पर यार। नीचे बढ़िया हो रहा है सिस्टम, है ना, नीचे बंदे कैंपिंग कर रहे हैं ना। हाँ पहले धक्का देना पड़ता ऊपर से, कह रहा है नीचे बंदे कई फॉर्चूनर लाए गए कुछ लागे कैंपिंग कर रहे हैं इस साइड में भी। मतलब है नीचे यार जगह, गाँव सा है छोटा सा, बढ़िया है। बेटा बेटा ठीक है तू यार, इनको भी यार जानवरों को भी प्यार चाहिए होता है। ये वहाँ पे आया था, मैं तब फोटो खींच रहा था, मैंने इसलिए भेज दिए थे। हाँ ये वसूली भाई, वो देखो अकेले जाके बैठ गए भाई। वो भी ये तो ऐसा लग रहा है जैसे भालू जंगल में मिल गया मैं। देखो कोई जानवर देखे ना देखे, एक तो देखा। चलो उधर ही चलते, आ जा, ये भी आएगा हमारे साथ, ये भी आएगा हमारे साथ। क्या कह रहे भैया, क्या कह रहे भैया, क्या कह रहे? अरे तू मेरे को क्या कह रहा है? एक पॉपकॉर्न का पैकेट लेके आ। पॉपकॉर्न का पैकेट, मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, पॉपकॉर्न का पैकेट कहाँ से लेके आऊँ भाई? अरे ओए खोए हुए जंगल में भालू। तो गाइस ये है चंडी देवी का द्वार, ये हम जा रहे हैं वापस बुआ के घर। तो आपको बता रहे हैं चंडी देवी का द्वार, तो यहाँ पे बहुत मान्यता है चंडी देवी की, और बहुत सारे मंदिर है यहाँ पे जिनकी बहुत बहुत मान्यता है। तो ये भूमि है, गंगा स्नान करने आते हैं लोग, बहुत सारी चीजें ऐसे देखने को। क्यों? हाँ भाई हरिद्वार में बहुत सारी चीजें है, तो ऐसा मत सोचे ये सिर्फ गंगा जी। शादी करवाएंगे तेरी, तू लुंडी बाजी में मतलब। अरे हम तो लगे नहीं थे भाई, मैं भी नहीं हूँ भाई लुंडी बाजी में, बहुत दूर हूँ भाई। तुम्हारी शादी हो जाएगी उसके बाद में शादी। शादी तो पहले रोहित की हुई भाई, शादी कोई मजाक है क्या भाई? मैं व्यू देख के चलना बिल्कुल, ये तो है। लेकिन निक्की तो कर लेगा होटल मार के ना, उस वाली रोड से ले ले भाई, नीचे नीचे नहर में उतार देगा। आ जाएगा नीचे वाली रोड से, आएगा तो इस पे ही कहीं हटा। ये तो फंस गया सीट में, वो लग रहा है। अबे वहां से वो बाहर निकल लेना। हम आए थे यहाँ पे गुनी के पास, ये मेरे फूफा जी और ये दोनों बच्चे। लड़ा लड़ा पंजा भालू से, पंजा लड़ा। अरे भालू से कहाँ जीत पाओगे भाई, वाह वाह लड़ा के दिखाओ भाई पंजा एक बारी। नहीं जीत पाएगा भाई। ओ माय गॉड, दी ऐसे मुंह घुसने देख। ये हमारी गुनी, गुनी ये गोरा हुआ है, ये गोरा काला है? ठीक ठाक। और मैं निकालो निकालो, पहले तो रंग साफ हो गया मेरा, मैं पहले से रंग साफ हो गया भाई मेरा। अभी रहे सर्विस कर दो। अच्छा वो हमारी बुआ के पीछे, चलो बनेगी तुम्हारी वीडियो।